डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एसएस का चैप्टर 3 एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर, मतलब हमारे पुराने जमाने के शहर। वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डू यू नो इट्स मीनिंग? कल्चर इज अ मैटर। हमने दो वर्ड्स बहुत सुने हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन। एक्चुअली आपको उसका मतलब पता है? कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, व्हाइल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग which he creates with his own caliber skill and creative skills. बच्चों, कल्चर का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो उसका कल्चर होता है, जैसे उसका डांस फॉर्म, कपड़े, खाना, भक्ति, भगवान, whatever. दूसरी बात करूँ सिविलाइजेशन, ये ह्यूमन खुद डेवलप करता है, उसका शहर खुद बनाता है। जैसे कोई राजा ने अपना शहर खुद बनाया, महल बनाया हो, कुएं बनाए हो, ये बनाए, तो वो उसका सिविलाइजेशन है कि उसके ज़माने का लिविंग स्टाइल। जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटेमिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पुरानी सिविलाइजेशन सिर्फ इसी जगहों पर है, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटेमिया, इंडिया, चाइना, रोम, ऐसी कुछ जगहों पर आपको मिलेगा। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन। आज हम सीखने वाले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर से एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की। अगर आपको ज्यादा जानना है तो वो मूवी देख लेंगे, आपको बहुत सारे डिटेल्स विजुअल में पता चल जाएगी। सो ये एक मैप है हरप्पन सिविलाइजेशन, आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन है वो नियोलिथिक साइट से, फिर हरप्पन साइट से कुछ पाकिस्तान में, पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था। सो देखो यहाँ पर लोथल गुजरात सौराष्ट्र में भी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया में बहुत सारी साइट्स है हरप्पन सिविलाइजेशन की, बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स या उस टाइम की मॉडर्न सिटीज के बारे में बात। अब जानना पड़ेगा हरप्पन है क्या, कौन थे वो लोग, कैसे थे वो लोग। चलिए, वी नो हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बच्चों दूसरा नाम आया इसका, हरप्पन का दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इंडस रिवर के नज़दीक डेवलप हुआ था इसलिए। रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा। सबसे पहले हरप्पा से इसकी जानकारी मिली इन 1921। मेनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूड हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कलिबंगम, राखी गादी। सी द लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन द मैप। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज एंड देयर फीचर्स। सो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसमें से फेमस सिटीज थी उस जमाने की, जो सबसे पहली थी हरप्पा, जहाँ से 1921 में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई। ये ओल्ड सिटी के बारे में और सबसे पहले बोला जाता है इसको ओल्ड सिविलाइजेशन एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन ये है। टाउन प्लानिंग मतलब उनका जो शहर था उसका प्लानिंग कैसा था, कैसी सुविधाएं थी। ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ऑल द टाउन्स वर प्लान इन अ सिमिलर वे इन ऑल प्लेसेस। फोर्ट वाज ऑन वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ अ कॉमन पीपल। बच्चों उस जमाने का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया था। जैसे आजकल की सोसाइटीज नहीं होती एक ही तरह के घर पूरी सोसाइटीज में, वैसे उस जमाने में पूरे हरप्पान में एक ही तरह के घर, एक तरफ जो किले होते हैं फोर्ट वो वेस्टवर्ड साइड पे ही हुआ करते थे और कॉमन लोगों के जो घर थे वो ऑन द ईस्ट साइड हुआ करते थे। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, बीच में हाईवे था, हाईवे के एक तरफ फोर्ट, एक तरफ पीपल का घर। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय अ फोर्ट्रेस। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट। ब्रिक्स वर ऑफन यूज्ड इन द टाउन स्ट्रक्चर्स। बीच में हाईवे, एक तरफ राजा के महल और एक तरफ लोगों का घर, रूलर्स वहाँ रहते थे, ब्रिक्स यूज होते थे स्ट्रक्चर में। आज हम स्टडी करने वाले हैं उसके और डिटेल्स में, फीचर्स के बारे में। मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। यस, उनका जो हाउस अरेंजमेंट था दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। हाउसेस जो थे वो हाई प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे जो प्रोटेक्ट करते थे बाजू में जाने वाली इंडस नदी के फ्लड से। वन ऑफ द फीचर ऑफ द हाउसेज ऑफ हरप्पन वॉज द मेन गेट ओपन इन द लेन्स रादर देन टूवर्ड्स द मेन रोड। मेन रोड की जगह पर वो एक साइड पे जो लेन होती है वहां पर उसका मेन गेट था, बीच में रोड के बीच में नहीं था। सिंगल एंड डबल स्टोरी हाउसेस वर सीन। वाओ, एक या दो मंजिला मकान भी थे। रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल, अच्छे रोड्स थे। देयर वर टू हाईवेज इन द सिटी, सिटी में दो हाईवेज थे, बाकी सब जगह बाहर पे एक
वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड विथ ईस्ट एंड वेस्ट. एक रोड था नॉर्थ और साउथ को, शहर को कनेक्ट करता था, दूसरे शहर के दो एरियाज जैसे कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला दूसरा रोड था. बच्चों ये कौन सी पिक्चर है? ये है पब्लिक बाथ. जब बारिश आती है ये भर जाता है, जिसे पब्लिक बाथ कहते थे मोहनजोदड़ो में. ये ओरिजिनल पिक्चर है. हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड. रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट द राइट एंगल. रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट The whole town could be divided into squares and rectangular sections. So यहाँ की जो गलियाँ थी वो straight to straight ही थी और दोनों cross होती थी exact right angle पे. उस manner में city को बनाया गया था जिसमें हर एक घर square या rectangle shape में ही था. Evidence of night light system has also been obtained on a public road में night lights भी थी. Wow. There was highly developed and systematic system for disposal of water. Water मतलब गटर व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी. The water from each house flowed into small sewer, from small sewer to large sewer. Water from the large sewer flowed out of the city town. मतलब छोटी गटर, बड़ी गटर और फिर सीधे शहर के बाहर. A public bath has been found in Mohenjo-daro. जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया पब्लिक बाथ का. In the center of this public bath is a pond for bathing. There are steps arranged on the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasions. आप देख सकते हैं साइड पे यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए भी बनाए थे रूम्स. सो ये स्पेशली कोई ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, तभी ये लोग इस्तेमाल करते थे इसका. जनरल उपयोग इसका नहीं था, एवरीडे का. बीच में आप देख सकते हैं नहाने का जगह पॉन्ड, यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए जगह. सो ये सब प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास. इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउसेस यूज एज असेंबली हॉल हैव आल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो. वाओ, प्रेयर रूम, असेंबली हॉल, मीटिंग सभा का बड़ा सा हॉल भी था. हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. करंटली वो पाकिस्तान में है आज. हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. हरप्पा सबसे इंपॉर्टेंट शहर था उस जमाने के सिविलाइजेशन का. द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज अ ग्रेनरी, अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स. ग्रेन मतलब वहाँ के जो ग्रेन्स होते हैं ना, खाने के दाने, चोखा, दाल, बाजरा, वो उनका मेन हब था ये हरप्पा, जिसको 12 ग्रेन स्टोरे में स्टोर किया जाता था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि. लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावो रिवर इन धोलका तालुका. गुजरात में धोलका है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ पर भोगावो रिवर है, उसके बिल्कुल नज़दीक में लोथल था. लोथल वॉज अ कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम. कमर्शियल मतलब बिजनेस पोर्ट था, वहाँ पर बोट से लोग आते जाते थे उस जगह पे. अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज बीन फाउंड इन लोथल. वाओ, दिखाता हूँ मैं आपको फोटोग्राफ, कौन सा स्ट्रक्चर मिला था जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं. इट कैन बी अज्यूम दैट द वेसल्स अराइविंग मतलब शिप्स अराइविंग हियर वॉज यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स. इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर. वहाँ से बनकर यहाँ, यहाँ से बनकर वहाँ, एक पोर्ट था जहाँ पर सामान उतरता भी था बोट से और चढ़ता भी था, स्टोर भी होता था, गोडाउंस भी थे. सो इट कैन बी सेड दैट द लोथल वॉज प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंशियंट इंडिया. पुराने जमाने का लोथल एक बिजनेस हब था. एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डन थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल. सो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होता था हरप्पा का दूसरे कंट्रीज में, वो भी यहीं पे होता था, यहीं से, लोथल से. बच्चों ये रहे फोटोग्राफ्स लोथल के. आप देख सकते हैं उस जमाने की फोटोग्राफ ड्राइंग करके बनाई गई इमेजिनेशन से. ये रहा उसका पोर्ट, उसके रियल पिक्चर ये बाजू में है दोनों. करंट आज की सिचुएशन में ये थर्ड फोटोग्राफ, थोड़े टाइम पहले की सिचुएशन में ये, और बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले ये बाजू में रिवर शहर और उसके बाजू में ये डॉकयार्ड. आगे बात करते हैं. धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खादिरबेट एरिया ऑफ बचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बचाओ तालुका के खादिरबेट एरिया में धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. द हरप्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हरप्पन टाउन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक है बाइलेटरल, व्हाइल द टाउन्स ऑफ द धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. हरप्पन टाउन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए उसे बाइलेटरल कहते हैं. जहाँ की धोलावीरा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे ट्राइलेटरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक है सिटाडेल फोर्ट, सेकेंड है अपर टाउन, थर्ड है लोअर टाउन. द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. सो धोलावीरा फेमस क्यों है, क्या है ऐसा? यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एज वेल एज स्टेडियम हुआ करता है. कलीबंगम टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में कलीबंगम राजस्थान का मेन हेडक्वार्टर था. किसके लिए?
एग्रीकल्चर काम के लिए। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। क्यों कह सकते हैं हम ये कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है हरप्पन सिविलाइजेशन का ये प्लेस? बिकॉज यहां पर हमको मिला है प्रूफ। कौन सी चीज का प्रूफ मिला है? हमें मिला है प्रूफ ऑफ रिमेनिंग ऑफ फार्म्स। यहाँ के फार्म्स उस जमाने के रिमेनिंग से प्रूफ है। द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूव्स दैट कॉपर टूल्स वर मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड दिस टूल्स माइट हैव बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर। लो, कॉपर भी मिला है, कॉपर से बने हुए टूल्स। ऐसा माना जा रहा है कि उस जमाने में एग्रीकल्चर में कॉपर के टूल्स यूज हुआ करते थे राजस्थान में फॉर फार्मिंग। Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. हम कह ही सकते हैं ये सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि उस जमाने का टाउन प्लानिंग भी A1 था, well organized, well engineered, well planned and efficient. It is wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. So, ये एक झांकी है, रिफ्लेक्शन, मतलब हमें दिख रहा है कि वाओ, उस टाइम में भी इतने अच्छे राजा महाराजा, मतलब दिमाग वाले, इतने अच्छे लोग थे जिसके पास अच्छी स्किल्स थी, इंजीनियर्स थे जो इतना सब अच्छा काम कर सकते थे उस जमाने में, कई हजारों साल पहले की बात है। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.